हेलो एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस, कि ईश्वर आपको किस चीज़ से सावधान कर रहे हैं। गॉड, ईश्वर, एंजल, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको किस काम को करने से रोक रहा है। गाइस, यहाँ पे टू ऑप्शन रखे रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, कोई नंबर वाइज चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। कि ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है गाइस, तो इन कार्डों के द्वारा आप सुन सकते हैं कि आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, या आप उस गलत कार्य से बच सकते हैं, आपका वृद्धि और विकास हो सकता है, उन्नति हो सकता है, तो आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखते हैं कार्डों के द्वारा क्या निकल कर आता है गाइस। टू ऑप्शन रखे रहेंगे, आपको क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, चुन लीजिए फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है गाइस। यहाँ पे आया है गाइस कि जो आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे थोड़ा सा आप दूर रहें। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपके शत्रु का आया, यानी आपके लाइफ में कुछ ऐसे हेटर्स हैं, कुछ ऐसे शत्रु हैं, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो आपका नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो ईश्वर बोल रहा है आप अपने लाइफ में नकारात्मक चीज़ों को नहीं अपनाएं, या कोई आपके अंदर कोई ऐसा एडिक्शन है जो गंदा है उसको छोड़ दें, पॉजिटिव परिवर्तन आपके लाइफ में लेकर आएं। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही आपको, सकारात्मक चीज़ें ही, पॉजिटिव जो चेंजेज हैं वही आपको आगे ले जा सकती हैं, निगेटिव ऊर्जा आपको कभी आगे लेकर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि निगेटिव ऊर्जा के तरफ आप जाने की भी कोशिश मत करें, बल्कि आप अपने लिए सही रास्ता चुनें, सही परिवर्तन अपने लाइफ में करेंगे तो आपके लाइफ में अलाइनमेंट होगा, ज्ञान का उदय होगा, आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा हेटर इंसान है जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करता है, या आपका बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है, या आपका काम बिगाड़ रहा है, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत बड़ा शत्रु है गाइस, हेटर है, जो आपके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप बचिए, इनसे दूर हो जाइए, सावधान रहिए। एंजल, गॉड, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से, हेटर लोगों से, प्रतिस्पर्धी लोगों से आप दूर हो जाइए, एकदम दूर हो जाइए गाइस। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन के तरफ से आ रहा है कि आप पास्ट की बातों को अपने अंदर मत समाहित करिए, पास्ट की लाइफ को, पास्ट की बातों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए। ये ईश्वर बोल रहे हैं आपसे, आप प्रेजेंट में जिएंगे, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जिएंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही उन्नत की तरफ जाएगी, प्रगति की तरफ जाएगी, और आपका बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। आप अपना ख्याल रखने की कोशिश करें। यहाँ पे गॉड के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि आपका उन्नति जरूर होगा, सक्सेस जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप अपने पास्ट को छोड़ें, लेट गो कर दें उसको, और प्रेजेंट में जिएंगे, प्रेजेंट को अपनाएंगे तो आपका फ्यूचर जो है वैसे ही ग्रो करेगा गाइस। बहुत ही प्यारा मैसेज आया आप फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन के तरफ से, ईश्वर की तरफ से आया है डोंट बी अफ्रेड। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर गाइस आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अफ्रेड हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर डर भरा हुआ है, फियर भरा हुआ है। कोई फियर हो सकता है गाइस, या किसी किसी को ऊंचाई से फियर होता है, किसी किसी को पानी से फियर होता है, किसी किसी को कुछ ऐसे फियर्स होते हैं गाइस, जो हर इंसान में कोई ना कोई फियर ज़रूर होता है। तो या कोई
यहाँ पर ईश्वर के द्वारा आया कि कोई ऐसा काम है गाइस जो आप करेंगे तो उसमें आप बहुत सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छे काम यानी कोई भी ऐसा ऐसा काम है गाइस जिसमें आपको करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यानी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं और वो काम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उस काम को आप करते हैं जिस काम से डरते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सफलता की ओर जाएंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप अपना नॉट स्टेप बैक यानी आप अपना कदम जो है पीछे मत हटाइए, ईश्वर बोल रहे हैं। जो फियर है बल्कि उसको दूर करने की कोशिश करिए, जो डर है आपके मन में जिस काम से आपको डर है उसको भगाने की कोशिश करें, उस कार्य को आप भगा दीजिए एकदम, जो भी फियर है उसको भगा कर जो भी काम करेंगे गाइस और सच्चाई पर खड़े रहेंगे तो आपको सक्सेस और सफलता जरूर से ज़रूर मिलेगी गाइस। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑक्टोपस का भी कार्ड आया है गाइस, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। ऑक्टोपस में वो शक्ति होती है जो कि बहुत लोगों में नहीं होती है गाइस, वैसी शक्ति आप में है, लेकिन आप में कोई ऐसा फियर है, डर है जिसके कारण आप अपना कदम जो है पीछे ले रहे हैं। तो ऐसा आप मत करिए बल्कि उस फियर को भगाने का काम करिए और अच्छे काम से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो भी काम करते हैं अपने दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लेकिन जो भी आपके अंदर डर है, अफ्रिड है, उसको दूर करने की कोशिश करिए गाइस यहाँ पर, तभी आप सफल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे गाइस। यहाँ पे आया है पीकॉक का कार्ड आया है गाइस, तो आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी एनर्जियाँ हैं, बैड एनर्जी है गाइस, आप देख सकते हैं बैड एनर्जी है, इसको आप मतलब दूर रहने की कोशिश करें बैड एनर्जी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे लाइफ में ऐसी मुझे बैड ऊर्जा दे रहा है या गलत बातें सिखा रहा है या गलत चीज़ें मुझे गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है या गलत ऊर्जा दे रहा है मुझे, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने लाइफ में मत रहने दीजिए गाइस, तुरंत दूर हो जाइए। ये ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप एक ब्लेसिंग पर्सन है, एक गॉड से, ईश्वर से, यूनिवर्स से ब्लेसिंग पर्सन है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है गाइस, क्योंकि आप एक ब्लेसिंग पर्सन है, ईश्वर से आशीर्वादित पर्सन है। भले लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें या गलत आदत सिखाएं, लेकिन आप उनसे बच जाएंगे और आपकी रक्षा होगी गाइस यहाँ पर, और आपका बुरा समय जो है वो ख़त्म होने वाला है। एंजल बोल रही हैं, गॉड बोल रही हैं, आपके लाइफ में नई खुशियाँ आ रही हैं, नया डब आ रहा है, सुख समृद्धि आ रही है, शांति आ रही है गाइस, तो उसको ग्रेप करने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश करें, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और ग्रोथ भी होगा। लेकिन आपका जो बुरा समय है उसको दूर करने की कोशिश करें, बुरे लोगों से आप दूर होने की कोशिश करेंगे। इनवर्स यही बोल रहा है कि आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें गंदे लोगों से, बैड ऊर्जा से, यही आपको नहीं करना है गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।